देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। हापुड़ जनपद में 7 दिवसीय दिवाली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें खेलकूद, युवा कल्याण एवं पंचायत राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने 8 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। यूपी की आज की बड़ी खबरें, मनीष हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, सीबीआई जांच के लिए पत्नी ने दाखिल की थी याचिका। मेरठ में लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर, 30 दिनों में मिले डेंगू के 820 मरीज, अब तक बुखार से हो चुकी है 15 मौतें। मेरठ के भगत सिंह मार्केट में संघर्ष, उधार के पैसों को लेकर सामने आए 2 गुट लाठी डंडे और सरिये से बोला हमला। आज सहारनपुर पहुंचेगी रथ यात्रा, वोटरों की नब्ज टटोलेंगे शिवपाल यादव, चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी। गरियाबंद में बहुचर्चित किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा में किडनी से फिर एक मौत, 24 वर्षीय प्रदीप पुरैना की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़े, सप्ताह भर पहले 214 एक्टिव केस बचे थे, अब संख्या बढ़कर 285 हुई, 31 नए मरीज मिले। मुरादाबाद में जयंत का सीएम योगी पर तंज, बोले यूपी के मुख्यमंत्री बेचैन बाबा, आउट ऑफ कंट्रोल बाबा को किसानों की फिक्र नहीं। यूपी में नया साथ तलाश रहे ओवैसी, ओपी राजभर से नहीं बनी बात, बोले शिवपाल से बातचीत कर रहे हैं, चंद्रशेखर से भी मिल चुका हूँ। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव विनोद राजभर को उनकी कड़ी मेहनत एवं अच्छे कार्य करने के लिए गोरखपुर जिले के बेतियाहाता स्थित सपा कार्यालय पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। यूपी के बदायूं में एक पखवाड़ा पूर्व हुई व्यापारी से लूट व हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। कुशीनगर में सगाई से लौट रही कार की ट्रैक्टर से टक्कर में 5 की मौत, 4 घायल, रामकोला धर्म समधा मंदिर से वापस जा रहे थे कार सवार। एटा में अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया दीपावली मेले का फीता काटकर शुभारंभ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर दिल्ली की ओर लगी बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। एटा में दीपावली के त्योहार नजदीक आते ही फूड विभाग की टीम और जिला पूर्ति टीम ने जनपद में मिठाई की दुकानों और मिठाई बन रहे गोदामों पर की रूटीन चेकिंग। ट्रेन से ललितपुर पहुंची प्रियंका, खाद के लिए जान गंवाने वाले किसान की बेटी दर्द बयां करते हुए बेहोश हुई, प्रियंका ने पानी पिलाया। आगरा यमुना में लड़का लड़की ने लगाई छलांग, गोताखोर तलाश में जुटे, मौके पर मिले बैग में लिखा है दिल्ली का पता। शेयर बाजार 800 अंकों की गिरावट के बाद सुधरा, बीएसई सेंसेक्स अब 60,000 के पार, 5 मिनट में 2,00,000 करोड़ घटा मार्केट कैप। चुनाव से पहले डॉक्टरों को तोहफा, यूपी में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अब 70 साल की उम्र तक करेंगे नौकरी, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, पिकअप ने 8 लोगों को रौंदा, 4 की मौत, 4 गंभीर, पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मातपुर मनोरी के पास हुआ हादसा। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।